नगर कोट। अब से लगभग 20-25 साल पहले तक का जो मुझे याद है, कुछ भारत के जो मूल निवासी खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने परिवार के साथ में अपने कपड़ों को, सफ़ेद कपड़ों को हल्दी में पीला कर यानी उनको रंग कर पीला कर और पूरे परिवार के साथ में जात लगाने जाया करते थे नगर कोट की। कहा जा रहे हैं नगर कोट की जात लगाने, और पूरी की पूरी बस भर के जाया करती थी नगर कोट की जात लगाने। ये नगर कोट की जो जात का पूरा सिस्टम है, ये बेसिकली बुद्ध के समय का सिस्टम है, यानी बुद्ध के बाद में जब लोग जाया करते थे एक साथ शिखर वार्ता के लिए, यानी कि हाई समिट के लिए, जो समिट होती थी उच्च स्तर की धम्म की। क्योंकि कोट का जो मतलब है पाली के अंदर, कोट का मतलब है समिट, शिखर वार्ता, यानी कि जो टॉप लेवल की वार्ता होती है या टॉप लेवल के, उच्चतम लेवल के जो विचार होते हैं उसको कोट बोलते हैं। और जो नगर कोट है, नगर का मतलब है जहां नाग लोग रहते थे या रहते हैं आज भी, क्योंकि नगर जो बना है वो नागों से बना है। जहां भी नागरिकता या नगर या नागरिकन, जैसा भी नाग का शब्द आएगा, वो सारे के सारे नाग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो नगर कोट की जात का मतलब है, जात जो होता है पाली के अंदर, आपने सुना होगा, बार बार आएगा, जाति दुखा, मरणंग दुखा, जरा दुखा, यानी जरा माने बढ़ापा और मरणंग माने यानी कि मरना, और जाति माने जन्म, यानी जन्म भी दुख है, व्याधि भी दुख है, यानी जो व्याधि बीमारी है वो भी दुख है, और जो बुढ़ापा है वो भी दुख है, और मृत्यु जो है वो भी दुख है। ये भगवान बुद्ध ने, जो तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बताया था कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये उसमें आता है, बार बार आएगा। तो जाति का मतलब पाली में जो होता है वो होता है जन्म लेना, यानी जन्म लेना। तो जितना भी भव चक्र है, यानी कि जो प्रतिच्य समुत्पाद है या प्रत्यय समुत्पाद है, उसमें जाति शब्द आता है बार बार। तो इस ऊंची शिक्षा को लेने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उस इकट्ठे होने में जगह जगह से लोग जाते हैं जिनको वो शिक्षा लेनी होती है, वहाँ जाके विपश्यना करते हैं, वहाँ जाके बड़ा शिविर लगता है जो महीने का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, 60 दिन का हो सकता है, 90 दिन का, 100 दिन का, 2 साल का, जैसा भी है। तो उस शिविर में जाने के लिए, चूँकि वो काफ़ी लंबे समय के लिए जा रहे हैं यात्रा पर, इसलिए सारे मोहल्ले के लोग, जितने भी कॉलोनी के लोग हैं या जितने भी उस समुदाय के लोग हैं, वो सारे सारे गाँव के लोग हैं, वो सब बहुत तैयारी के साथ में, उनको ढोल बाजे गाजे के साथ में विदा करके आते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप अच्छी तरह से वहाँ जाति को सीख के आएँ, धम्म को सीख के आएँ, और वो शिखर वार्ता होती थी। तो नगर कोट की जात एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता था, जो फिलहाल तक भी होता है और अभी भी शायद लोग जाते हैं। ये तो भूल गए कि जाति का मतलब जन्म होता है, ये भूल गए कि कोट का मतलब शिखर वार्ता, यानी धम्म की सबसे ऊँची हाइएस्ट डिग्री जो होती है उसके बारे में जानकारी लेना होता है, ये भूल गए कि नगर का मतलब जो होता है जहाँ नाग लोग रहते हैं उसको नगर बोलते हैं। बाकी वो जो परंपरा है वो अभी तक भी चल रही है, और वो सारी की सारी भगवान बुद्ध के बाद की जो धम्म सीखने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा बड़ा धम्म सीखने वाले लोग हैं अच्छी तरह से, उनकी परंपरा है। धन्यवाद।